आप देख रहे हैं दखल न्यूज। G7 शिखर सम्मेलन में मिले मोदी और ट्रंप। मोदी ने साफ किया, हमारे मामलों में किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। कश्मीर से धारा 370 हटाने के पक्ष में आई मायावती, केंद्र सरकार को इस मामले में दिया पूरा समर्थन। मनी लॉन्ड्रिंग एवं भ्रष्टाचार मामले में पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ी, 30 सितंबर तक रहेंगे सीबीआई की रिमांड पर। सांसद साध्वी प्रज्ञा के बेतुके बोल, कहा बीजेपी नेताओं की मौत के पीछे विपक्ष का मारण। और बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने बुजुर्ग महिला को बोलने से रोका, समस्याएं बताना चाहती थी महिला। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। फ्रांस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ मुद्दे द्विपक्षीय हैं, इसके लिए हमें किसी अन्य देश की जरूरत नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से मेरी बातचीत हुई है और पाकिस्तान भारत के मुद्दे द्विपक्षीय हैं, दोनों देश आपस में बातचीत से मुद्दे सुलझा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। G7 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई। ट्रंप से मुलाकात के दौरान मोदी ने कहा कि भारत समाज अमेरिका में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस बीच दोनों के बीच गर्मजोशी साफ नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप और अन्य नेताओं से साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं और उसे दोनों ही देश मिलकर सुलझा लेंगे, इसके लिए किसी देश को बीच में कष्ट नहीं देना चाहते हैं। चर्चा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान मिलकर अपने बीच के मुद्दे सुलझा लेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ हमारा व्यापार और आगे बढ़े। इसके पूर्व पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा, सुरक्षा एवं व्यापार सहित कई मुद्दों पर बात हुई। मोदी विभिन्न वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलेटरल हैं और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही देश की सियासत में दो ध्रुव बनते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ राजनीतिक दलों ने कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर सरकार विरोधी कुछ राजनीतिक दल इस मामले में खुलकर केंद्र के समर्थन में आ गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में केंद्र सरकार को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा ही देश की समानता, एकता और अखंडता के पक्षधर रहे हैं। वे जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 का प्रावधान करने के कतई पक्ष में नहीं थे। इसी वजह से बीएसपी ने संसद में इस धारा को हटाए जाने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कड़े कदमों का भी मायावती ने समर्थन किया है। उन्होंने इसे लेकर भी ट्वीट करते हुए कहा, लेकिन देश में संविधान लागू होने के लगभग 69 वर्षों के उपरांत इस धारा 370 की समाप्ति के बाद अब वहां पर हालात सामान्य होने में थोड़ा समय अवश्य ही लगेगा। इसका थोड़ा इंतजार किया जाए तो बेहतर है, जिसको माननीय कोर्ट ने भी माना है। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद जहां बसपा ने सरकार का समर्थन किया था, वहीं दूसरी ओर भाजपा गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया था। धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक ड्राइवर की पहचान नूर मोहम्मद के तौर पर हुई है।
अनंतनाग में जब नूर मोहम्मद घर लौट रहा था तो प्रदर्शनकारियों ने उसके ट्रक पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी के दौरान एक पत्थर नूर के सिर पर आकर लग गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिजबेहरा इलाके में अचानक कुछ उपद्रवियों ने नूर के ट्रक पर पत्थर फेंके। पुलिस के मुताबिक इन पत्थरबाजों ने पिछले दिनों स्थानीय लोगों पर भी पत्थर फेंके थे। इसके चलते एक 11 साल की लड़की श्रीनगर के डाउनटाउन में घायल हो गई। पत्थरबाजी करने वाले स्थानीय लोगों की पुलिस ने पहचान कर ली है। इसके साथ ही कुछ लोगों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और उसे अलग केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के विरोध में घाटी का ही एक वर्ग वहां के हालात को लगातार बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अभी तक यहां बड़ी संख्या में सैन्य बल तैनात किया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में अब तक हालात सामान्य हैं। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग एवं भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उन्हें 30 सितंबर तक सीबीआई की रिमांड में रहना होगा। इस बीच सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर पी चिदंबरम की कस्टडी मांगी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले पर सुनवाई से मना कर दिया है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में एक और झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदंबरम की हिरासत 4 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अब इस मामले में 30 अगस्त को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में सीबीआई ने दलील दी कि चिदंबरम का आमना सामना इस केस के दूसरे आरोपियों से कराया जाएगा, लिहाजा उन्हें 5 दिन की रिमांड चाहिए। इस पर कोर्ट ने चिदंबरम की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। इस बीच सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर पी चिदंबरम की कस्टडी मांगी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले पर सुनवाई से ही मना कर दिया है। इसके पूर्व हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग एवं भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह अपने विवादित बयानों के कारण ही चर्चा में रहती हैं। प्रज्ञा की माने तो बीजेपी नेताओं की मृत्यु के पीछे तंत्र की मारण क्रिया काम आ रही है। मारण ही एक एक कर बीजेपी नेताओं की मौत की वजह बन रही है। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान से बीजेपी सकते में है और कांग्रेस ने प्रज्ञा की मानसिक स्थिति पर सवाल या निशान लगा दिए। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा और विवादों का चोली दामन का साथ है। प्रज्ञा बिना बोले रह नहीं पाती और उनके बोलते ही विवाद शुरू हो जाता है। साध्वी प्रज्ञा के बड़बोलेपन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नाराजगी जता चुके हैं। इसके बावजूद साध्वी प्रज्ञा के कारण बीजेपी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब साध्वी प्रज्ञा का कहना है बीजेपी नेताओं की मृत्यु तंत्र क्रिया मारण के कारण हो रही है। उनका दावा है बीजेपी नेताओं पर मारण का खतरा मंडरा रहा है और यह सब बीजेपी विरोधी लोग कर रहे हैं। प्रज्ञा जब ये सब बोल रही थी तो बीजेपी के तमाम नेता दाएं बाएं देख रहे थे। सांसद प्रज्ञा ने कहा, मैं जब चुनाव लड़ रही थी तब एक महाराज जी आए थे, उन्होंने कहा था ये बहुत बुरा समय चल रहा है, विपक्ष एक मारण शक्ति का प्रयोग आपकी पार्टी और आपके नेताओं के लिए कर रहा है, ऐसे में आप सावधान रहें। इसके बाद मैं ये सब भूल गई थी, लेकिन अब जब मैं ये देखती हूँ कि हमारी पार्टी के नेता यूं एक के बाद एक जा रहे हैं तो मुझे उन महाराज जी की याद और बात याद आ गई। महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी साधना को कम मत करना, साधना का समय बढ़ाते रहना, बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है कोई ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। परंतु आज जब मैं ये देखती हूँ कि हमारे वास्तव में शीर्ष नेतृत्व कभी सुषमा जी, बाबूलाल जी, फिर जेटली जी और ऐसे क्रमशः जो हमारे नेता पीड़ा सहते सहते और जाते हैं, मन में एक बार आया कि कहीं ये सच तो नहीं।
विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान पर बीजेपी नेता खींचते हुए नजर आए। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की श्रद्धांजलि सभा में साध्वी प्रज्ञा के इस बेतुके बयान को लेकर जब कैलाश विजयवर्गीय, प्रभात झा, गोपाल भार्गव सहित अन्य नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने आक्रामक होकर प्रज्ञा सिंह पर हमला बोला। कांग्रेस मीडिया सेल की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि साध्वी का बयान बेहद आपत्तिजनक है, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं, इन्हें इलाज की जरूरत है और उनके लिए सही जगह पागलखाना है। साध्वी प्रज्ञा का बयान एक श्रद्धांजलि सभा में जहां जेटली जी और गौर साहब को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, ये कहना कि कांग्रेस मारक शक्ति का उपयोग करके नेताओं को मार रही है अपने आप में दिखाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। कभी वो गांधी जी के अपशब्द कहती हैं, कभी नेहरू जी के लिए, और अब कांग्रेस के लिए इस तरह का बयान देना दिखाता है कि पूरी तरह से वो मानसिक दिवालिया हो गई हैं और उन्हें शीघ्र से शीघ्र इलाज की आवश्यकता है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बड़बोलेपन से पूरी बीजेपी नाराज है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी के आला नेताओं ने उन्हें एक बार फिर सोच समझ के बोलने की नसीहत दी है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा कुछ तो भी बोलकर बीजेपी को हंसी का पात्र बना देती हैं। एमपी बीजेपी के नेताओं ने प्रज्ञा के इस बयान की जानकारी भी केंद्रीय नेतृत्व को दे दी है। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहे अवैध उत्खनन के लिए पुलिस अफसर जिम्मेदार हैं। टेरर फंडिंग के मामले में उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। एमपी के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह इन दिनों कुछ ज्यादा ही मुखर हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि हम अवैध उत्खनन नहीं रोक पाए, अपनी ही सरकार में मैं हार गया हूं। अब गोविंद सिंह ने अवैध उत्खनन के लिए पुलिस अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा 90% पुलिस अधिकारी अवैध उत्खनन करा रहे हैं, बारिश में प्रतिबंध लगने के बाद भी हो रहा है उत्खनन। अफसोस, हम अवैध उत्खनन नहीं रोक पा रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध की तरह नदियों को बचाने के लिए भी कार्यवाही होना चाहिए। और इससे मतलब मध्य प्रदेश की जो गाड़ी कमाई है जनता की, उसकी लूट हो रही है और ये लूट में 90% पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इसको चला रहे हैं। जिला योजना समिति की बैठक में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक भी दाना अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे देश का, लेकिन आज हम उसको नहीं रोक पाए। टेरर फंडिंग मामले में सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, फंडिंग भी करते रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले अनेक वर्षों से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। लोगों की समस्याओं को लेकर उनकी आवाज उठाने वाला विधायक ही जब जनता का मुंह बंद करने लगे तो समझ लीजिए आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया है। ऐसा ही नजारा सागर में देखने को मिला, जहां समस्याएं बता रही एक महिला का बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने मुंह बंद कर दिया। बीजेपी के नेताओं, इस दृश्य को देख लीजिए। ये है मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी के विधायक शैलेंद्र जैन। सागर जिला मुख्यालय में पिछले कई दिन से हो रही बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। इन इलाकों का जायजा लेने के लिए निकले भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन। हर जगह आम लोग एक ही किस्म की समस्याएं बता रहे थे, विधायक जी भी सब सुन सुन के परेशान हो गए थे। स्नेहा नगर में इतने में एक बुजुर्ग महिला ने जब समस्या बतानी चाही तो विधायक ने अपने हाथ से उनका मुंह बंद कर दिया। बेचारी आम महिला विधायक जी से कुछ कह भी नहीं सकती, सो उन्होंने चुप रहना ही मुनासिब समझा। ये नाली से है भैया, 10 बजे आ रही, 10 बजे जा रही, बंद न करो, आप अपना करो। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, विधायक जी को महिला का बार बार बीच में बोलना पसंद नहीं आ रहा था और महिला की समस्या का उनके पास कोई ठोस जवाब भी नहीं था, सो उन्होंने बुजुर्ग महिला की बोलती बंद करवा दी।
इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद वह बुजुर्ग महिला कुछ देर चुप रही और विधायक जी को कोसती हुई वहां से चली गई। जनता अपना नेता इसलिए चुनती है कि वह उनकी आवाज बनेगा, लेकिन जब नेता ही जनता की आवाज बंद करने लगे तो जनता को भी ऐसे नेताओं के बारे में विचार करना चाहिए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरदा में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों में पानी होने के कारण 100 से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। जान जोखिम में डालकर लोग उफनती नदी के पुल को पार करने को मजबूर है। हरदा जिले में शनिवार से हो रही लगातार बारिश के चलते जिले के नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों में पानी होने की वजह से 100 से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। हालात ये हैं कि कुछ गांव तो टापू बन चुके हैं। 48 घंटे से लगातार बारिश से अजनाल नदी ने रौद्र रूप ले रखा है। साथ ही तवा डैम के 13 गेट खोले जाने के बाद से नर्मदा नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। हालात ये हैं कि ऐसे में भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। ऐसे में किसी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन बचाव तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। नदी के पुल पुलिया पर पानी हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। आज भी एक युवक की उस समय जान पर बनाई जब उसने पानी वाले पुल से बाइक निकालने की कोशिश की और पानी में बहने लगा। वो तो गनीमत रही कि लोगों ने वक्त रहते उसे बचा लिया। बैतूल जिले में भारी बारिश हो रही है जिससे नदी नाले उफान पर हैं। गांव से होकर जाने वाले रास्ते भी बंद जैसे हैं। ऐसे हालात में लोग नदी पर बने रपटे पार कर रहे हैं। ये नजारा मुलताई तहसील का है। गांव को जाने वाले रपटे पर तेज बहाव था और एक युवक मोटरसाइकिल से रपटे को पार करने में लगा हुआ था और वह मोटरसाइकिल सहित बह गया। युवक को बहता देख वहां खड़े लोगों ने दौड़कर युवक को पानी में बहने से रोक लिया। बड़ी मशक्कत के बाद इसे पानी से रोड पर लाया गया। हालांकि प्रशासन का दावा है कि ऐसे स्थानों पर उसकी टीम तैनात है, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद पता चलता है कि प्रशासन के दावे झूठे हैं। ऐसे में लोगों को अपनी जान की रक्षा खुद करनी चाहिए। जहां भी पुल पुलिया पर बारिश का पानी हो उसे पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक 3 साल का बच्चा सीढ़ियों से मकान के पिलर पर जा गिरा और पिलर की सरिया मासूम के पेट को छेदती हुई पीट से जा निकली। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर बड़ी मशक्कत के बाद मासूम के पेट से सरिये को निकाल दिया है, लेकिन मासूम बच्चे की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना के पहाड़िया गांव में 3 साल के मासूम रुद्र के पेट में सरिया घुस गया जो पीठ के बाहर तक निकल गया। यह घटना उस समय हुई जब शिवेंद्र पांडे का मासूम बच्चा रुद्र सीढ़ी से नीचे उतर रहा था और फिसल जाने के कारण वह पिलर पर जा गिरा जिसमें सरिया निकला हुआ था। मासूम सरिया में फंसा हुआ चीखता चिल्लाता रहा। जब परिजन की नजर उस पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। जैसे तैसे सरिया
गोलियां काटकर मासूम को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां चार डॉक्टरों की टीम ने सवा घंटे तक ऑपरेशन कर मासूम के जिस्म से सरिया निकाला। संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि शिवेंद्र पांडे के 3 वर्षीय बेटे रुद्र का ऑपरेशन सफल रहा। अभी बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया है। दोपहर के बाद 12:50 के आसपास एक बच्चे को इस अस्पताल में लेके आया गया, जिसका नाम रुद्र पांडे है, बताता है। तो वहाँ से उसके पेट में आयरन से रॉड जो है लोहे की वो गुजे हुई थी, ऐसे गिर पड़ा था, रॉड नीचे थी तो उसके ऊपर गया और वो रॉड आर पार थी पेट से लेके पीठ तक। तो हमारे चिकित्सक जो सर्जरी के हैं उन्होंने तत्काल उसको भर्ती करके और तैयारियाँ की और 1:30 बजे वो मरीज जो है वो ऑपरेशन कर ले लिया गया था। डॉक्टर ऐश्वर्या इन चारों की टीम ने उस बच्चे का सफल ऑपरेशन किया है। वो ऑपरेशन पूरा हो गया है और बच्चे की हालत गंभीर तो है लेकिन स्थिर है। ग्वालियर के बहोड़ापुर क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्ट नगर के पार्किंग नंबर 6 में एक युवक वाहिद उर्फ रज्जाक का शव संदिग्ध हालत में मिला। वाहिद ट्रांसपोर्ट नगर में जेक और डंपर का मिस्त्री बताया गया है। मृतक के भाई संजू के मुताबिक उसे कुछ युवकों ने बताया कि उसका भाई 6 नंबर पार्किंग में बेहोश पड़ा है। इसी सूचना पर संजू ने मौके पर जाकर देखा तो रज्जाक का शव जकड़ा हुआ मिला। संजू के अनुसार रज्जाक के शरीर पर चोट के निशान थे। संजू ने रज्जाक की हत्या का आशंका जताई है। कल मैं अपनी दुकान में काम कर रहा था तो मुझे 4 लोग बुलाने आए, सोनी, बंटी और राजू और अफजल। तो वहाँ देखा तो मेरे वहाँ पड़ा हुआ था, बिल्कुल आगे बंद थे, हाथ पाँव जकड़ गए थे। तो मैं लेके आया, उनसे बोला कि चलो मेरे साथ, तो वो नहीं आए, वो भाग गए 4 लोग। किसी ने मारा है जी, सोनी, बंटी और अफजल और राजू। संजू रज्जाक की हत्या का आरोप 4 युवकों पर लगा रहा है। वहीं इस मामले के विवेचक ASI राम अवतार सिंह तोमर का कहना है कि संदिग्ध मौत की सूचना पर मर्ग कायम किया गया है। प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। PM रिपोर्ट और मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। मर्ग इंटीमेशन जांच प्राप्त हुई, मैं यहाँ आया। मृतक बद्दूर रज्जाक पुत्र यूसुफ खान 24 साल निवासी नई बस्ती शंकरपुर का अभी PM के लिए फार्म भरा है। अभी मृतक के पक्ष के जो परिवार वाले हैं उनके बयान नहीं लिए गए और उसके शरीर पर चोटें हैं। अब चोटें कैसे आई जी, या तो ये बताएंगे या PM रिपोर्ट में खुलासा हो पाएगा, अभी जांच की जा रही है। इंदौर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे ओला कैब के ड्राइवरों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर भगाया। कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने आए ड्राइवरों में से जब एक ने आत्मदाह करने के लिए घासलेट डाला तो पुलिस ने इन ड्राइवरों को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। कलेक्ट्रेट में पुलिस ने टैक्सी ड्राइवरों पर लाठी चार्ज किया जिसमें कई ड्राइवर घायल हो गए। दरअसल ओला कैब ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एक ऑटो ड्राइवर ने आत्मदाह करने के लिए घासलेट डाल दिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय में अफरा तफरी मच गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने ऑटो ड्राइवरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कई ड्राइवर गिर गए। इसके बाद भी पुलिस उन्हें पीटती रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को स्वच्छ सुंदर बनाने का नगर निगम ने संकल्प लिया और कहा कि प्लास्टिक का उपयोग करने वाले होटल संचालकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ने राजधानी के जनप्रतिनिधियों की क्षमता पर भी सवाल या निशान लगाया है। भोपाल को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने नए सिरे से तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम ने होटल और कैटरिंग संचालकों से अपील की है कि वे प्लास्टिक के ग्लास और अन्य पात्रों के उपयोग पर तत्काल रोक लगाए। महापौर आलोक शर्मा ने होटल संचालकों से अपील की है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि होटलों में भोजन वेस्ट ना हो। नगर निगम अब प्लास्टिक का उपयोग करने वाले होटल संचालकों पर कार्यवाही करेगा। आलोक शर्मा ने राजधानी के जनप्रतिनिधियों की क्षमता और सवाल उठाते हुए कहा कि कई लोगों को यही नहीं मालूम कि कौन सी सड़क निगम की है या राजधानी की परियोजना की। आज हमने सभी होटल प्रबंधन, शादी हॉल और जो केटर्स है उनको बुलाया है और जो प्लास्टिक का जो उपयोग ये लोग हर शादी में, मैरिज में, हर शादी कार्यक्रम में करते हैं उनको उसके नुकसान के बारे में हम बताएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आपकी क्या भूमिका स्वच्छता में रहना चाहिए।
केटर्स हैं और जो भोजनालय वगैरह चलाते हैं या शादी हाउस का उपयोग करते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें। भोपाल में कलियासोत डैम और केरवा डैम पर धारा 144 लगी है। इस इलाके में अक्सर बाघ नजर आता रहता है, लेकिन अब यहां मगर भी दिखने लगे हैं। अंधेरा होते ही एक मगर कलियासोत डैम की तरफ से एक्सीलेंस कॉलेज की तरफ जाता हुआ नजर आया। इसके बाद इस इलाके में पहरा कड़ा कर दिया गया है। कलियासोत और केरवा के इलाके में धारा 144 लगी है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही लोग यहां तफरी करने जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की आवाजाही जारी है। कलियासोत रोड पर डैम से एक्सीलेंस कॉलेज जाते हुए एक मगरमच्छ लोगों को दिखा तो कुछ कार सवार लोगों ने उसका वीडियो बनाया। इस वीडियो के वायरल होते ही यहाँ लगी धारा 144 पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अब प्रशासन ने इस इलाके में सख्ती शुरू कर दी है। इधर वन विभाग की टीम भी मगर की तलाश में जुट गई है। वन विभाग का मानना है कि बड़े तालाब से कलियासोत डैम होते हुए ये मगर एक्सीलेंस कॉलेज के इलाके में पहुंचा होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।